एक तरफ राज्य सरकार द्वारा हर विभाग को चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ विभाग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर अपने कार्य करने को मजबूर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जुगसलाई स्थित पशुपालन विभाग के भवन की, जो एक बड़ी दुर्घटना को अपनी ओर आमंत्रित कर रहा है। ऐसे में विभाग के कर्मचारी करें तो क्या करें। जुगसलाई स्टेशन रोड स्थित पशुपालन विभाग, जिसका भवन पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया है, स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि बाहर से मानो किसी भूत बंगले से कम नहीं दिखता है। दीवार के हर कोने में बड़े बड़े वृक्ष अपने जड़ पसार चुके हैं। भवन के अंदर कार्यरत चिकित्सक और कंपाउंडर जान हथेली पर लेकर काम करने को मजबूर हैं। अगर हम पशु पक्षियों का इलाज कराने आ रहे लोगों की बात करें तो उन्हें हर पल यह डर सताता है कि इलाज के दौरान कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। भवन की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि बरसात के दिनों में घुटनों तक पानी जम जाता है। बिजली की बात करें तो भवन में बिजली भी नहीं है। अंधेरे में ही चिकित्सक और कंपाउंडर अपना काम करते हैं। एक तरफ जर्जर भवन, दूसरी तरफ चूता पानी और तीसरी तरफ अवरुद्ध बिजली की व्यवस्था, जिसे कई परेशानियों को जन्म देती है। बावजूद इन परेशानियों को झेलते हुए चिकित्सक और कंपाउंडर अपने कार्य कर रहे हैं। वहीं भवन में पदस्थापित कंपाउंडर मदन प्रसाद बताते हैं कि वर्षों से स्थिति जस की तस बनी हुई है। कई बार संबंधित विभाग को पत्राचार भी किया गया, पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि वे सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, भले ही जान जोखिम में डालकर क्यों ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि भवन इतना जर्जर हो चुका है कि टूट टूट कर प्लास्टर नीचे गिर रहा है, जो किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकता है। समय समय पर विभाग की नींद खुलती है और विभाग के पदाधिकारी भवन का फोटो खींच कर ले जाते हैं, फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। डॉक्टर और कंपाउंडर जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, दीवार गिर सकती है। डर लगेगा तो क्या करिएगा, हम लोग तो सरकारी नौकर हैं ना, हम लोग तो बाहर निकल के जा नहीं सकते हैं। ठंडा का मौसम रहता था तो बाहर बैठता है, धूप में गर्मी में जो बरसात आ गया तो अंदर रहना पड़ेगा। तो एक तरफ तो भवन का पूरा पानी चूरा है, आप लोग चारों तरफ प्लास्टिक लगा सब लगा के आदमी अपना उसी में गुजर हम लोग करते हैं। बिजली भी नहीं है यहाँ? बिजली नहीं, पानी है, पानी सप्लाई आता है। ऐसे में तो जान जोखिम में डालकर आप काम कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। हो सकता है। तो इस संबंध में आपने संबंधित विभाग को अवगत नहीं कराया है? नहीं, हमारे पदाधिकारी लिखित भी दिए हुए, अच्छी भी किए हुए, हमारा बिजली एकदम जर्जर है। कितने वर्षों से ऐसी स्थिति बरकरार है? ये तो करीब हम देख रहे हैं 300 साल से हम यही करते आ रहे हैं, जब से हम पब्लिक करते यही आ रहे हैं। कुछ छज्जा वगैरह भी हमेशा गिरता रहता है टूट कर? बगल में हमारा स्टैंड जो सरकारी हॉस्पिटल है पशुपालन विभाग का, इतना बुरा परिस्थिति में कई विभाग का आदमी आया, फोटो खींचा गया, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि छत कभी भी गिर सकता है। यहाँ पर जो डॉक्टर अपने ड्यूटी कर रहे हैं ना, अपना जान खेल के ड्यूटी, न SP को मतलब है, न DSP को, कोई प्रशासन के किसी अधिकारी को कोई मतलब नहीं। यहाँ पे कोई जिया हमारे इस विभाग से कितना जानवर का इलाज होता है इसके बारे में कोई सोच नहीं है। अपना डॉगी को लेकर के आया था यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए, तो मैं इस पशुपालन केंद्र का पूरा स्थिति तो पूरा एकदम पूरा कंडम हो चुका है। अंदर पानी चूरा है, पूरा छज्जा मतलब जो होता है पूरा गिरा हुआ है। इसे जल्द से जल्द सरकार द्वारा इसको निर्माण किया जाए अच्छा से, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर लोग भी अपना जान जोखिम में डाल करके पशु लोग का ये कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। मतलब कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है? कुछ भी हादसा हो सकता है। देख रहे हैं यहाँ तो पूरा रड़ छड़ पूरा दिख रहा है, गिट्टी पूरा ढलाई नीचे गिर रहा है, पानी चू रहा है,